हेलो ब्यूटीफुल फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एक्शन रिएक्शन। मैं हूं आपका होस्ट, आपका दोस्त फारुख मोगल। स्टिल यू डिड नॉट सब्सक्राइब माय चैनल, देन डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन फॉर लेटेस्ट अपडेट्स। अभी की जो हमारी वीडियो है, ये एक मूवी की ट्रेलर की रिएक्शन वीडियो, और इस मूवी का नेम है हैप्पी वेडिंग। पहले हम देखेंगे इस मूवी का ट्रेलर और उससे मेरा रिएक्शन, और उसके बाद मैं दूंगा आपको शॉर्ट रिव्यू इस मूवी और इस ट्रेलर के हवाले से। तो आइए चलकर देखते हैं पहले हम इस मूवी का ट्रेलर और उससे मेरा रिएक्शन। वाओ चलेगी, కాఫీ చేసుకోవచ్చు, కాంప్లైంట్ చేసుకోవచ్చు, మా మనవడితో కాపురం చేసుకోవచ్చా అండి? మా విజయవాడ అబ్బాయి చాలా రొమాంటిక్, ఏం చేసినా చాలా రొమాంటిక్ గా చేస్తాను. మీ అబ్బాయిని అందరూ ఇంతేనా? మేము కన్ఫర్మ్ చేయగానే ఎందుకు మీలో అంత మార్పు? ఒక అమ్మాయి వాళ్ళ పేరెంట్స్ ని వదిలి పరా ఇంటికి వెళ్ళి ఉండాలంటే ఎలా ఉంటుందో ఆలోచి. మా అబ్బాయికి ఏ టెన్షన్ ఉండదు అనుకుంటున్నావా? ఎటువంటి అమ్మాయి మా ఇంట్లోకి వస్తుందో, మా ఫ్యామిలీతో అడ్జస్ట్ అవుతుందో లేదో, మాలో విడిపోతుందా లేదా, మంచిదా చెడ్డదా, లేక నీలా పిచ్చిదా? Majestic, super. तो जी फ्रेंड्स, आप लोगों ने मेरे साथ देखा इस मूवी का ट्रेलर और उस पर मेरा रिएक्शन। अब हम बात करेंगे आपसे इसी मूवी के हवाले से। ये तेलुगु लैंग्वेज मूवी और ड्रामे से भरपूर है, यानी कि रोमांटिक ड्रामे से भरपूर। और इस मूवी को डायरेक्ट किया है और लिखा है लक्ष्मण कार्या ने। और इस मूवी के अंदर जो मेन लीड रोल निभा रहे हैं वो हैं सोमनाथ अश्विन, निहरिका, कोनिदेला, मुरली शर्मा, जो कि इसकी कास्ट में शामिल है। अब हम बात करते हैं इसके अलावा और दीगर कास्ट भी, लेकिन मैंने मेन कास्ट का आपसे जिक्र किया। अब हम बात करते हैं आपसे इस मूवी के ट्रेलर के हवाले से, जो कि मुझे तो बहुत ज़्यादा पसंद आया, बहुत कमाल का था, बहुत क्यूट स्वीट और रोमांटिक टाइप था। इस तरह की मूवीज़ मुझे तो बहुत ज़्यादा पसंद है, बल्कि हदसे ज़्यादा पसंद है, क्योंकि अच्छे एंड के साथ होती हैं, पॉजिटिव एंड के साथ होती हैं, मज़ा आता है और आप भरपूर इन्जॉय करते हैं। और ये जो है आप कह लें रोमांस से भरपूर है और बहुत ही कमाल का। इसमें आपको एक ड्रामा भी मिलेगा जिसमें इंटरेस्टिंग है, काफ़ी उतार चढ़ाव के साथ इंटरेस्टिंग पहलू हैं। ज़ाहिर रोमांटिक मूवी है तो कुछ इसमें कुछ ना कुछ ऐसा होगा, ज़रूरी नहीं कि डायरेक्ट हीरो हीरोइन का मिलाप हो जाए, कुछ ना कुछ ऐसे पहलू होंगे जिनकी वजह से कुछ प्रॉब्लम्स वगैरह क्रिएट होंगी, फिर एंड में एंड जो है हैप्पी एंड ही होगा। लेकिन जो मज़ा आता है इस तरह की मूवीज़ देखते हैं और आप लोग भरपूर इन्जॉय करते हैं, और जो यंगस्टर्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा शिद्दत से वेट करते हैं कि इस तरह की मूवीज़ रिलीज़ हों, जाके वो अपने मतलब बॉयफ्रेंड, गर्लफ्रेंड, फ्रेंड और मतलब जो पार्टनर रिलेशनशिप में जिनके साथ होते हैं, कमिटमेंट दिया हुआ होता है उनके साथ, वो भरपूर देख सकते हैं, इन्जॉय करते हैं और शिद्दत से उसी चीज़ का इंतज़ार करते हैं कि कोई मतलब बिल्कुल सेम इसी तरह की मूवीज़ हो रिलीज़, और वो जाके उनके साथ देखें। बनिस्बत हर किसी के साथ देखी जा सकती है, लेकिन जिनका मैंने जिक्र किया उनके साथ ज़्यादा देखें तो आप ज़्यादा मज़ा आता है, और आपका जो मतलब माहौल भी मतलब और मूड भी कुछ गवार हो जाता है और बेहतरीन किस्म का, और आपका जो प्यार है, इश्क मोहब्बत या फिर अरेंज भी है चलो तो फिर भी उसमें काफ़ी हद तक परवान चढ़ता है और वो बुलंदियों को छूता है, मज़ा आता है, यानी कि आप कह लें भरपूर एक तरह से किस्म की होती हैं। और जो कि ट्रेलर जो है काफ़ी अच्छी वजाहत कर रहा है कि बहुत क्यूट एंड स्वीट से इसमें इंटरेस्टिंग पहलू होंगे जो कि आपकी तवज्जो का मरकज़ बने रहेंगे, जो कि रोमांस से भरपूर होंगे और मज़े के इसमें सॉन्ग्स भी होंगे जो कि आप काफ़ी इंजॉय करेंगे। और बहुत अच्छे तरीके से ट्रेलर दिखाया गया है और स्क्रीन प्ले सिनेमेटोग्राफी भी कमाल की है, सबकी एक्टिंग भी और सबका तालमेल मिक्सअप काफ़ी अच्छा लग रहा है। जो लीड रोल है कास्ट है उनके अलावा दीगर कास्ट का भी, मुझे तो बहुत ज़्यादा पसंद आया है इस मूवी का ट्रेलर, क्योंकि बहुत ज़्यादा कमाल का था, इंटरेस्टिंग था, हीरो की एक्टिंग बहुत अच्छी लग रही है, बिल्कुल रियलिस्टिक लग रही है, रियल लग रही है, कुछ भी फेक या बनावटी नहीं लग रहा, ऐसा लग रहा है बिल्कुल सही से किरदार में बिल्कुल टूट के एक्टिंग की गई, और हीरो की एक्टिंग वाकई में काबिले तारीफ़ है। और
जिस हिसाब से उसने काम किया वाकई में बहुत अच्छा लग रहा है। गुड लुकिंग भी है, क्यूट सूट भी है, और जो कि मैं तो कहूँगा कि उसको बेहतरीन किस्म का इसमें मतलब किरदार मिला और काम मिला जो कि उसके बिल्कुल उसको सूट भी कर रहा है। और वाकई में मतलब जो है इस तरह का उसको और भी काम करना चाहिए, क्योंकि जो मतलब एक किरदार में जिसको पता चल जाता है कि हम इसको बेहतरीन तरीके से निभा सकते हैं तो बनिस्बत उसको वो ज़्यादा करना चाहिए, ताकि जो है उसमें वो ज़्यादा अपने आप को मतलब अपने जो किरदार को अपनी एक्टिंग को और सब चीज़ों को लोगों के सामने वाजे कर सके, हाँ कि मैं कमाल का एक्टर हूँ और देखो मैं मतलब जो है किस हिसाब से इस रोल में घुस जाता हूँ और क्या परफॉर्मेंस देता हूँ। ओवरऑल खैर बहुत ज़्यादा मुझे मज़ा आया और मैंने काफ़ी इन्जॉय किया। मैं तो बिल्कुल आपसे यही कहूँगा कि आप इस मूवी को ज़रूर देखें, क्योंकि आप बहुत अच्छा आप इंटरटेन होंगे और मज़ा आएगा एक तरह से। इसमें कोई ऐसा रोना धोना या लड़ाई झगड़े ऐसा कुछ नहीं है जो कि आपका मूड ख़राब हो जाए, आपको गुस्सा आ जाए, आप मूवी आधी छोड़ के भाग जाएँ या ना देखें या थोड़ी सी देख के बंद कर दें अगर आप घर पर देख रहे हैं तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। भरपूर इन्जॉय करेंगे और तरह से दिल खुश होगा और बहुत अच्छा आपको मतलब महसूस भी होगा और अच्छी फीलिंग्स भी आएंगी और एक मूड मतलब खुशगवार हो जाएगा बनिस्बत मैं कहूँगा, क्योंकि काम एक्टिंग सॉन्ग्स वगैरह सब कुछ बहुत ज़्यादा परफेक्ट और बेहतरीन और उमदा और आला किस्म के मैंने बहुत ज़्यादा इन्जॉय किया। वेरी नाइस, मैजेस्टिक, स्प्लेंडेड, सुपर। तो जी फ्रेंड्स, आप लोगों ने मेरे साथ देखा इस मूवी का ट्रेलर और उस पर मेरा रिएक्शन, और उसके बाद मैंने दिया आपको शॉर्ट रिव्यू मूवी और इस ट्रेलर के हवाले से। अब आप भी हमें अपनी राय से आगाह कर सकते हैं कि आपकी क्या राय है इस बारे में। हम आपकी कीमती राय के शिद्दत से मुंतजर हैं। एंड प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट एंड शेयर माई वीडियो। सी यू नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।